हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी आमले का अचार। तो यहाँ मैंने आमले ना धोकर वॉश करके अच्छे से रख लिए हैं। तो अब मैं इनको ना पहले बॉईल करूंगी। ये देखिए, तो हम इनको पहले ना 5-10 मिनट बॉईल कर लेंगे। अच्छे से ढक के रख दिया मैंने। तो जहाँ हमारे आमले बॉईल हो चुके हैं, अब थोड़े ठंडी करके ना मैं इनके पीसेस अलग कर लूँगी। यहाँ मैंने आमले के ना पीसीस कर लिए, छोटी छोटी गुठलियाँ अलग कर लिए और ऐसे पीसीस का अलग अलग कर लिए। यहाँ मैंने मसाले भी रेडी कर लिए हैं। ये है जीरा पाउडर, राई पाउडर, हल्दी, अजवाइन, लाल मिर्च, काली मिर्च, सौंफ, मेथी पाउडर, काला नमक, कलौंजी नहीं है मेरे पास, वो नहीं मैंने डाली। चाहे तो आप चाट मसाला भी साथ में डाल सकते हैं। तो ये सारे मसाले, तो चलो अब लगाते हैं हम आमला। यहाँ मैंने ना थोड़ा सा चाट पाउडर भी ऐड किया है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों ऑयल, ऑयल को अब थोड़ा गर्म कर लेंगे। तो यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले। यहाँ हमने सारे अपने मसाले मिक्स कर लिए। अब डालेंगे हम आमला कैंडी। हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। गैस की हीट को थोड़ा हम स्लो ही रखेंगे, वैसे मैंने बंद कर दिया। ऐसे मिक्स करेंगे वरना ये जल भी सकते हैं। अब हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आने के लिए। तो ये देखिए, हमारे यहाँ खट्टा मीठा आमले का अचार रेडी है। ये देखिए, मेरे पास और भी है अचार। देखिए मैंने कितने अचार डाले हैं, लेकिन मैं इनकी वीडियो नहीं शूट कर पाई। ये भी मैंने खुद डाला है, मैंगो का अचार। ये देखिए, बहुत प्यारा है लग रहा है। आम का अचार, ये है पचरंगा अचार। ये देखिए, मैंने पचरंगा अचार भी डाला है, बीच में गाजर वगैरह डाल के। ये सभी ना मैंने फ्रिज में स्टोर किए है, जो कि ख़राब भी ना हो, काफ़ी टाइम मतलब ख़राब नहीं होते, रह जाते हैं। फ्रिज में रखोगे तो कुछ नहीं होएगा अचार को। और ये है खट्टा मीठा नींबू का अचार। ये तो बहुत हाजमेदार अचार है। जब भूख वगैरह ना लगे या पेट में दर्द वगैरह हो ना,
रोटी के साथ थोड़ा सा ये चार लो। इसकी भी मैं रेसिपी आपको बता दूंगी। ये अजवाइन इसमें ज़्यादा डाली है इसलिए ये ब्लैक हो गया है, लेकिन ये बहुत मतलब फ़ायदेमंद चाह रहे हैं। देखो कितने प्यारे, मैं तो बहुत इसको पसंद करती हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं। ये है, ये नींबू और मिर्च का मैंने डाला था, ये देखिए ये भी काफी खट्टा है, ये मीठा नहीं है, तो सिर्फ खट्टा है। साथ में मिर्च डाल दी, और ये गुड़ वाला नींबू का अचार, इसमें मैंने ना गुड़ डाला है, ये देखो इसका कलर थोड़ा लाल है लेकिन अच्छा लग रहा है। देखो ये भी थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, लेकिन इसमें ना मैंने गुड़ डाला है, बहुत टेस्टी अचार है ये भी। खोल के देखा, अभी तो गोभी गाजर का भी अचार बनना है, अभी लहसुन का भी अचार मैंने डालना है, तब उसकी रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। ये मैंने आमले के लिए खा लेगी, अब इसमें हम आमले का अचार डालेंगे। ये देखिए मैंने आमले को भी इस बाउल में डाल दिया है, नहीं जितना का खाना होता है ना बस उतना ही निकालते हैं। ये देखो बहुत डब्बे तो भर भर के रखे हैं बड़े बड़े मैंने, लेकिन जितना खाना होता है ना उतना ही मैं निकालती हूँ। ये देखो अब इसको भी मैंने डाल दिया इसमें, प्यारे लग रहे हैं। वैसे तो ये देखो ऐसे डब्बे भर भर के रखे हैं मैंने, ये वाला चार है इस डब्बे में था, मैंने निकाला है इसको जितना खाना है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, अचार की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।